हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पति ने ही की थी अपनी पत्नी की हत्या, कैंपियरगंज के आश्रम में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश, एसपी नाथ और एसपी ने किया घटना का खुलासा। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया मंडल के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा, जहरीली शराब कारोबारियों पर कड़ाई करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडली हेल्थ पार्टनर फोरम की बैठक, JEAS से निपटने की बनी रणनीति, कमिश्नर ने कहा इस बीमारी से नहीं होने पाए किसी की भी मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, लाइव देखने के लिए बीजेपी कार्यालय पर लगाया गया प्रोजेक्टर, कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौत पर जागा पुलिस प्रशासन, कच्ची शराब के ठिकानों पर की छापेमारी, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा एक माह तक चलेगा अभियान। जिले के 32 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिपिक संवर्ग की परीक्षा, लगभग 20,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। ईद के त्योहार को लेकर राजघाट थाना परिसर में पीस कमेटी के सदस्यों की हुई बैठक, पुलिस शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कटिबद्ध। टीबी रोगियों की सघन खोज के लिए 10 जून से चलेगा अभियान, अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता के लिए किया गया प्रेरित। सूरत के तत्शिला कॉम्प्लेक्स के हादसे में मारे गए लोगों को श्री आश्रय कल्प सेवा समिति ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि, कहा भगवान उनके परिवार को दुख सहने की प्रदान करे शक्ति। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ पोस्टर प्रतियोगिता, तंबाकू से होने वाले नुकसान पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार, कहा जानलेवा साबित हो सकता है तंबाकू, कतई न करें इसका प्रयोग। गोरखपुर महिला समिति ने मनाया गुरु अर्जुन देव का शहीदी पर्व, वितरित किया शीतल पेय और खाद्य सामग्री, कहा सेवा भाव से किया गया यह पुनीत कार्य। इकलौते पुत्र की तलाश में नम हुई माता पिता की आंखें, बीते 9 मई से लापता है बेटा, लगाई मदद की गुहार। और थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में राहगीरों के लिए लगाया गया निःशुल्क प्याऊ, कहा पूरी गर्मी तक किया जाएगा राहगीरों की सेवा।